नमस्ते, अभी हम एक लॉफ्ट बनाना है, तो वो गाइड कब से कैसे बनाए वो एक देख लेते हैं फटाफट। फाइल्स में जाएंगे, न्यू करेंगे, पार्ट में जाएंगे। ये पार्ट मेरा ओपन हो गया। अभी मैं फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ, स्केच लेता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, इसको स्मार्ट डायमेंशन देके फुल्ली डिफाइन कर लेता हूँ। इसको एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, जैसे ही हमने वो पिछला बनाया था वैसे ही सेम बना रहा हूँ पार्ट, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें मैं स्केच पेन से ऑफसेट कर रहा हूँ थोड़ा, और इसको मैं थोड़ा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। चलिए, ये एक मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैं टॉप प्लेन पे जाता हूँ, स्केच कर लेता हूँ, कंट्रोल एट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और इसको भी मैं फुल्ली डिफाइन कर लेता हूँ। अभी ये डायमेंशन तो दे दिया, अभी चलो रिलेशन देते हैं। इसको मैंने एस्केप किया, ये पॉइंट को पकड़ा, इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ा, और इसको मैंने वर्टिकल दे दिया और ओके कर दिया। वर्टिकल करने से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया है। इसको मैं एग्जिट स्केच करता हूँ। एग्जिट करने के बाद इसको भी मैं फिर से एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए मैं ऑफसेट का ही यूज करता हूँ फिर से, थोड़ा एक्सट्रूड करके ओके कर लेता हूँ। अभी हमारे पास ये दो जॉब बन के रेडी हो गए हैं। अभी मैं राइट प्लेन लेता हूँ, उसमें स्केच बनाता हूँ और कंट्रोल एट करता हूँ, नॉर्मल टू। अभी हमको क्या करना है, गाइड कर्व हमने जैसे देखा पिछले वीडियोस में, तो हमारा जो प्रोफाइल था वो एक कर्व के थ्रू जाता था। तो मतलब यहाँ पे स्वीप या लॉफ्ट या कुछ भी करना है तो एक कर्व चाहिए। तो कर्व कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट तो है ही, हमको पता है कि अभी उसको कैसे करना है। तो मैंने स्केच ले लिया, स्केच में भी राइट प्लेन पे मैंने स्केच ले लिया। स्केच के बाद मैं कन्वर्ट एंटिटी करता हूँ। कन्वर्ट एंटिटी करने के बाद मैंने ये क्लिक किया, फिर ये राउंड का टॉप का फेस जो है वो क्लिक किया, और बॉटम का जो फेस है वो क्लिक किया, और ओके किया। जैसे ही ओके किया, मेरे पास ये एक दो और ये तीन लाइन आ गई। अभी मैंने उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और बोल दिया इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। तो मेरा कंस्ट्रक्शन के लिए है ये ज्योमेट्री। अभी मैं क्या करता हूँ, ये आर्क लेता हूँ, एक रेंडमली आर्क बना देता हूँ ये दोनों के बीच में। ये एक आर्क बना लिया, यहाँ पे ये दूसरा आर्क भी बना लिया। अभी इसको ओके कर दिया। अभी मैंने ये और ये आर्क, उसको मैं बोलता हूँ टेंजेंट है। फिर से ये फेस और ये आर्क, उसको मैं बोलता हूँ ये भी टेंजेंट है। तो हमारे पास टेंजेंट करके ये आर्क के लिए रेडी हो गया कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बनेगी। अभी इसको मैं एग्जिट स्केच कर देता हूँ। एग्जिट स्केच करने के बाद हम जाएंगे लॉफ्ट बेस बॉस में। लॉफ्ट में क्लिक किया, जैसे हमको पता है प्रोफाइल करना है, ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया, ये देखो हमारा लॉफ्ट तो बन गया। अभी इसको ओके करेंगे तो लॉफ्ट तो हमारा एकदम रेडी हो गया, जनरेट हो गया। लेकिन हमको ये जो गाइड कर्व बनाया है, मतलब जो हमने जो प्रोफाइल बनाया है कर्वेचर थ्रू, वहां से लॉफ्ट करना है। तो वो कैसे करे, राइट क्लिक करे, एडिट फीचर्स में जाते हैं, यहाँ पे गाइड एक कर्व वाला ऑप्शन होगा, जैसे भी बंद होगा, फिर यहाँ पे गाइड कर्व का वाला ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो हमने ये बनाया है
फर्स्ट आर्क उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये आर्क ओपन है, यहाँ पे कोई क्लोज बाउंड्री नहीं है, क्लोज एंटिटी नहीं है, तो ये ओपन टू ओपन है एंड पॉइंट से, तो हम इसको ओपन लूप कहेंगे, और जो एंड टू एंड बंद होता है उसको क्लोज लूप कहेंगे। तो यहाँ पे ये एंड टू एंड ओपन है, तो इसको ओपन एंटिटी ओपन लूप करेंगे। ओपन लूप करके ये सिलेक्ट किया, ओपन लूप किया और ओके किया, तो एक कर्व बन गया है। और ये देखो, एक कर्व के हिसाब से ये हो गया। अब मैं इसको एक एक करके दिखाता हूँ। ये ओके किया हमने, तो ये देखो हमने जो पहला कर्व किया था उसी के हिसाब से हुआ, और नीचे तो लॉफ्ट जो था बाय डिफॉल्ट वो है। अभी फिर से मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, एडिट फीचर्स में जाता हूँ, यहाँ पे गाइड कर्व में क्लिक करता हूँ, और ये मेरा नेक्स्ट कर्व है वो क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा ये फिर से डायलॉग बॉक्स आएगा, ओपन लूप है ये भी, और इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे ओके किया आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल पहले ऐसे था, तो पूरा मुड़ के जो कर्व है उसके हिसाब से आ गया। अभी मैंने ओके कर दिया, तो हमारा प्रोफाइल जो हमने कर्व दिया था, जो भी पार्ट दिया था, जो भी रेफरेंस कर्व दिया था, उसी के हिसाब से ये आया। तो हम ऐसे रेफरेंस से भी बना सकते हैं। राइट क्लिक करें, एडिट फीचर्स में जाएं और गाइडेड कर्व से ऐसे करें। जो भी हम गाइडेड कर्व बनाना चाहते हैं बनाएं, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसके मुताबिक यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करें जैसे मैंने दिखाया वैसे, तो हमारा जॉब ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। फिर हमको ओके करना है, जैसे ओके करेंगे हमारा जॉब बन जाएगा। तो ऐसे हम गाइड कर्व से लॉफ्ट कर सकते हैं। बस इतने वीडियो में इतना ही, दूसरा आगे देखेंगे। धन्यवाद।